आज हम सूजी से बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई बनाना बताऊंगी, जिसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे खाएंगे ना तो एकदम खाते रह जाएंगे, ये तो मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाते हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे। तो सूजी को हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आने लगे। तो सूजी को हमेशा हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो देखिए सूजी हल्का सा भून गया है। तो अब इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच नारियल का पाउडर डालेंगे। अब इसे भी चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। अब साथ में 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे, इसे भी डाल लेंगे। ये सब चीज़ें डालने से ना सूजी का मिठाई जो बहुत ही टेस्टी, इसमें एक मावा जैसा फ्लेवर आएगा, तो यहाँ पे इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हम जिस कटोरी से हम सूजी नापे थे ना, उसी कटोरी से हम यहाँ पे 2 कटोरी दूध डालेंगे और दूध को डालते रहेंगे और इसमें चलाते रहेंगे। तो सूजी जो है बहुत ही जल्दी दूध को सोख लिया है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे और साथ में हम उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डालेंगे। तो आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से चीनी सूजी इसमें डालें। तो यहाँ पे चीनी को भी डाल करके हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ में 1 बूंद येलो फूड कलर डालेंगे। इससे इसका कलर जो बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे डालें नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, या फिर आप येलो की जगह कोई और भी कलर डाल के इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से एकदम डो के तरह बन गया है, ये कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो ये अब मिठाई बनने के लिए तैयार हो गया है। तो इसमें से हम थोड़ा सा डो लेके, देखिए इस तरह से मिठाई को गोल गोल घुमा रही हूँ ना, तो ये अच्छे से हाथ में चिपक नहीं रही हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका मिठाई बनाएंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम थोड़ा सा घी लगा के हाथ में इसे चिकना कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा डो उठाते हुए हम इसका गोल गोल पेड़ा बना लेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से गोल बना लेना है। अब इसे हम रोल शेप में बनाऊंगी। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे रोल साइज़ का बनाऊंगी। तो देखिए हमने एक मिठाई बना के तैयार कर लिया है, देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अब इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर में इसे कोट कर लेंगे, ताकि इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमने एक मिठाई बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सभी मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए हमने उतने डो में इतना सारा मिठाई बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 बूंद रेड फूड कलर थोड़ा सा पानी में इसका घोल बना ली हूँ। अब इसे हम उंगली की सहायता से इस पर कोट कर देंगे, ये देखने में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं, या फिर रेड कलर का टूटी फ्रूटी भी इस पर गार्निश कर सकते हैं। दे लीजिए बहुत ही सुपर टेस्टी सूजी से बनने वाली मिठाई बनके तैयार हो गया है। जब इसे आप खाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर डाला है ना, इसके वजह से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितना नरम और एकदम दानेदार ये सूजी की मिठाई बनके तैयार हो गया है, और इसका कलर भी कितना प्यारा दिख रहा है ना।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो प्लीज़ आए हैं तो हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।